मामा ने किया भांजी का अपहरण, रिश्ते को किया कलंकित। शाजापुर जिले के सिलसिलाई थाना क्षेत्र के कौशलपुर कोहड़िया गांव में मामा भांजी के रिश्ते को तार तार करने का मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की को उसका मामा बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया और कई दिनों तक बालिका को अपहरण कर उसका बलात्कार करता रहा। अपहरणता बालिका की माँ ने सिलसिलाई थाने पर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी मामा को अपहर्ता नाबालिग बालिका के साथ गुजरात के राजकोट से मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा और गिरफ्तार कर सलसलाई थाने ले आई, जहां बालिका के बयान के बाद मामा के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दरअसल पूरा मामला शाजापुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादिया अपहर्ता की मां ने थाना सलसलाई में 7 फरवरी को रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें गुमशुदा नाबालिग की मां ने बताया था कि मेरी लड़की घर से गायब है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। सलसलाई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया। थाना प्रभारी जनक सिंह रावत ने बताया कि विवेचना के दौरान अपहर्ता व संदेही की लोकेशन साइबर सेल से निकलवाते रहे। संदेही नाबालिग लड़की का मामा दीपक मेवाड़ा अपहर्ता के साथ बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था और अलग अलग से अपने खाते से पैसे निकाल रहा था। संदेही दीपक मेवाड़ा व अपहर्ता की अंतिम लोकेशन राजकोट गुजरात के आने के बाद शाजापुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के आदेश अनुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल के निर्देशन में थाना प्रभारी सलसलाई जनक सिंह रावत द्वारा एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम गुजरात भेजी गई। टीम द्वारा मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर राजकोट गुजरात में सागर पॉलिटेक्निकल लिमिटेड कंपनी GIDC पहुंचे, जहां से नाबालिग को आरोपी दीपक से बरामद किया गया व थाने लेकर आए। मामले में आरोपी के खिलाफ बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट की धारा का इजाफा कर आरोपी दीपक मेवाड़ा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिनांक 7/2/2024 को एक लड़की जो है नाबालिग, उसको आरोपी दीपक मेवाड़ा बहला फुसला कर ले गया था। उसमें हमने कल नरेंद्र कुशवाहा जो है, जो कि प्रभारी बुलाना, उनके साथ में टीम गठित की थी और उनको गुजरात भेजा था, जहाँ से अपहर्ता नाबालिग लड़की को और आरोपी दीपक मेवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हमने पूर्व में 363 का अपराध पंजीबद्ध किया था, उसमें 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया। सर, और क्या आरोपी से पूछताछ भी जारी है? हाँ, अभी आरोपी पुलिस हिरासत में है और पूछताछ की जा रही है। वधु वेडिंग प्लाजा, जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध है। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।